लोकसभा चुनाव में जादू चलाने के बाद अब आज विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक का इम्तिहान है। आज 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों और 3 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें मोदी की छोड़ी वडोदरा लोकसभा के अलावा उनके संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली रोहनिया विधानसभा सीट भी शामिल है। सबसे बड़ा इम्तिहान यूपी में है, जहां 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इनमें 10 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल के पास। उधर यूपी में ही मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी में बड़ा इम्तिहान है। आजमगढ़ के लिए मुलायम ने मैनपुरी की सीट छोड़ी थी, यहां से उनके भतीजे के बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आज दिन भर आपको बता दें, यही सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि आज किस तरीके से 33 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, लेकिन यूपी पर फोकस है। देखने वाली बात यह होगी कि जो टेम्पो लोकसभा में आपने देखा था, क्या अब वही दिखाई देगा इन उपचुनावों में बीजेपी का।